अगर इजाजत हो तो उन तीनों को खोलूं। जी जी जी, कहीं ऐसा ना हो तुम में भी कोई हो। इजाजत है, इजाजत। मैं तुम्हारी तारीफ करके तुम्हें खुदा खुदा करके नहीं जाना चाहता, मैं तो अपने नाना का पैगाम तुम तक पहुंचाना है। ये ताजदार शहनशाह बगदाद है, बड़े पीर साहब की जब तकरीर होती थी, अगर चील भी आवाज कर दिया करती थी, चील और चिव चिव करके निकल जाती थी, तो ऐसी नजर मारते थे आधी कट के इधर गिर जाती थी और आधी इधर गिर जाती थी। दसों लोगों का तकरीर में इंतकाल हो जाता था, दसों का। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते तीर दा हदीस सुनो सलास ला यकबलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफा जिनका नारा कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं। अब तो सारी चीजें रस्मी हो गई हैं, माफ करना, सारी चीजें दिखावे की। एक भाई खड़ा होकर नारा लगा रहा है जैसे कि बॉल फेंकता होगा, उसे पता ही नहीं नारा लगाने का ढंग क्या। सही बात, बस लिया कि यू नारे तक भी खेल बना दिया। अरे मैं नहीं कहता कि नारे मत लगाओ, मगर प्यारे तुम अपने अमल से नारा लगाओ, किरदार से नारा लगाओ, करेक्टर से नारा लगाओ। अरे गुलाम नबी वो होता अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर सोए उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, चले फिरे उठ बैठे हर अदा बोले नबी नबी। अल्लाह अल्लाह सुनो नबी फरमाते कौन ऐसा हो। मैं तो हदीस पेश कर रहा हूं और अपने गिरेबान में झांकना, अपने गिरेबान में कहीं हम ये सारे काम कर रहे हैं और कबूल ही ना हो। और ये बात याद रखना, जो बात करूंगा मैं या तो उस पर कुरान की आयत पेश करूंगा या हदीस पेश करूंगा, इंशाल्लाह दावा करूंगा तो दलील जरूर दे करके जाऊंगा। अगर गलत बोलूं तो ये उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। नबी फरमाते सलासा, तीन तरह के लोग, उसमें औरतें भी शामिल मर्द भी। कौन? नंबर एक, अब मैं फहरिस्त खोल रहा हूं, देखना कौन ऐसा है अपने अपने गिरेबान में, कौन है जो नमाजें पढ़े कबूल नहीं, रोजा रखे कबूल नहीं, जकात दे कबूल नहीं, जलसा करे कबूल नहीं, तकरीर करे कबूल नहीं, नारा लगाए कबूल नहीं, फर्ज वाजिब सुन्नत मुस्तहब कोई भी इबादत काबिले कबूल नहीं। कौन है? नंबर एक, अला वो है जो अपने माँ और बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता, माँ बाप को तकलीफ देता है। आप फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसकी कोई इसलिए अगर माँ बाप नाराज तो नबी भी नाराज, नबी नाराज तो खुदा भी नाराज। अब अगर नबी और खुदा नाराज, कितने जलसे करे, कितनी नमाजें पढ़े, कितनी भी इबादत करे, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं।
अब पहला सबक ये हुआ आज